गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी एंड वेलकम टू द क्विज इन सिक्योरिटी लॉ इन स्टॉक मार्केट एलसे। और स्टूडेंट्स की एक छोटी सी शिकायत थी, सर वो कंपनी लॉ के लिए बहुत कुछ करते रहते हो, सिक्योरिटी लॉ के लिए कुछ नहीं करते हो। तो मुझे लगा चलो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप टू का सब्जेक्ट जरूर है सिक्योरिटी लॉ, लेकिन इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। एंड सही कॉन्सेप्ट तो चाहे कंपनी लॉ हो चाहे सिक्योरिटी लॉ हो, हर जगह बनने चाहिए। एंड जो स्टूडेंट्स की शिकायत है उसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। और अब मैं जो पूछने जा रहा हूँ वो उनके लिए भी है जो अभी सीएस ईट पास कर आए हैं, जो अभी सीएस फाउंडेशन पास करके आए हैं, जो सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप वन पास करके ग्रुप टू शुरू कर रहे हैं, और जो ग्रुप टू ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो प्रोफेशनल प्रोग्राम में है उनके लिए भी है। तो एवरीबडी इज एलिजिबल टू विन द प्राइज टूडे, लेकिन उसके लिए रूल्स फॉलो करने होंगे। वो रूल्स मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को, रूल्स क्या फॉलो करने होंगे। लेकिन उससे पहले एक धमाकेदार न्यूज, एंड दैट इज सेंसेक्स हिटिंग विल 50,000, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स हिटिंग 50,000 मार्क एंड 10,000 पॉइंट्स इन लास्ट 415 ट्रेडिंग सेशंस या 415 डेज। और धमाकेदार रैली, स्ट्रॉन्गेस्ट एवर इन द स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, जब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पैदा हुआ 1875 तब से लेकर आज तक सेंसेक्स में इतना स्टीप इंक्रीज फटाफट 10,000 पॉइंट्स का कभी देखने के लिए नहीं मिला। और जो यहाँ नजर आ रहा है दैट इज विजिबल ओवर हियर, 23rd May 2019 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज 40,000 पॉइंट्स एंड नाउ इट हैज टच्ड वेल 50,000 पॉइंट्स ऑन 21st of January 2020। तो May 2019 से, वो भी May एंड था, एंड January 2021, 21st January 2021, तो एक 2020 का बीच में साल, ऑब्वियसली वो कोरोना की वजह से बहुत नीचे गया स्टॉक मार्केट में एक बार को, March 2019, April 2019 द बॉटम्स पर हिटिंग, और मैंने बहुत बाइंग की थी उस वक्त, और आज वो इन्वेस्टमेंट बहुत ऊपर चढ़ चुकी हैं, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट रियली डिस्क्लोजिंग ऑल दैट स्टफ। एंड बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में डिस्कस करना, मैं कहूंगा हमारी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी है, जानना कंपल्सरी है। देन आई कम टू द क्विज पार्ट ऑल्सो, और इसमें बॉटम पैराग्राफ नीचे कह रहा है यहाँ पर कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनकी वजह से ये स्टॉक मार्केट शूट अप हुई और ये 50,000 पॉइंट्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने टच किया। तो बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व घोड़े हैं स्टॉक मार्केट के, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज मार्केट एंड बजाज, आई विल से दिस इज बजाज ग्रुप, एचसीएल, टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स दबाकर ऊपर भागे, और उसके साथ ओवरऑल सेंसेक्स ऊपर भागा, और मैं कहूंगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी वो भी ऊपर भागा। ऑब्वियसली वेल ऑल द थिंग्स रन टुगेदर इन द मार्केट देयर, और बाद में शाम होते होते सेलिंग प्रेशर आ गया और लोग पैसा बनाकर निकाल, मतलब पैसा निकाल रहे थे, प्रॉफिट बना रहे थे, तो थोड़ा सा फिर मार्केट नीचे आई और 50,000 मार्क से नीचे आकर सेटल होकर क्लोज हो गई शाम को 3:30 PM व्हेन द मार्केट क्लोजेस। लेकिन इसके साथ ही क्विज की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, टोटल हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस एग्जिस्ट इन इंडिया इन विच शेयर्स और कॉमोडिटीज आर ट्रेडेड और वर ट्रेडेड। आंसर इज ए 6 स्टॉक एक्सचेंज, बी 2 स्टॉक एक्सचेंजेस, सी 7, डी 9 स्टॉक एक्सचेंजेस। टोटल कितने स्टॉक एक्सचेंज, मैं रिपीट कर देता हूँ कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल, हिंदुस्तान में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस रहे हैं पहले या आज की तारीख में, जिसमें या तो शेयर्स या कॉमोडिटीज मेटल्स वगैरह में डीलिंग होती हो। तो कितने स्टॉक एक्सचेंजेस रहे, मतलब एग्जिस्ट करते हैं आज की तारीख में, आज की तारीख में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो बंद हो चुके हैं उनकी बात नहीं हो रही है, कितने स्टॉक एक्सचेंजेस आज की तारीख में एग्जिस्ट करते हैं हिंदुस्तान में जिनमें शेयर्स में या कॉमोडिटीज में या डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग हो रही है या हो रही थी। स्टॉक एक्सचेंज वो जो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं जो बंद हो चुके हैं, वो जो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और ट्रेडिंग आज हो रही है या हो रही थी। सर ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया, तो इसका जवाब मैं ही दे रहा हूँ, ये क्विज का पार्ट नहीं है, आपके लिए बता दूं ये क्विज का पार्ट नहीं है, तो बिग रिलीफ। हाँ, आप कोई भी तुक्का मारना चाहते हैं तुक्का मार सकते हैं,
any guess that you want to make, you can give in the live chat. And I am getting started over here. तो जो जवाब है वो कहाँ मिलता है? SEBI की वेबसाइट पे है. Well, और SEBI की वेबसाइट पे कहाँ जाना पड़ता है? नीचे नीचे इंटरमीडियरीज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ता है नीचे नीचे, और उसमें जाते हैं तो स्टॉक एक्सचेंजेस नजर आता है. और अब जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल 9 स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया एग्जिस्ट एज ऑफ टुडे. पहले नंबर कुछ और रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में मतलब जनवरी 2021 की बात हो रही है. जनवरी 2021 टोटल 9 एक्सचेंजेस इन इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज और कॉमोडिटी एक्सचेंज और व्हाटएवर. और एक बार ध्यान से पढ़ते हैं सबके बारे में, क्योंकि इसके बाद जो सवाल पूछूंगा सारे इसके ऊपर बेस्ड होंगे. तो ये जानना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया INX, चौथा इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, पांचवा मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, छठा मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, सातवां सेवंथ नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, आठवां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और नौवां है NSE IFSC लिमिटेड. आपके लिए रिकमेंड करूंगा, अगर आपके आसपास दूसरा सेल फोन है या लैपटॉप है तो आप उसके ऊपर ये लिस्ट ओपन कर सकते हैं. कहाँ जाना पड़ेगा एक बार फिर से दिखा देता हूँ. SEBI की वेबसाइट ओपन करनी है, sebi.gov.in, उसमें नीचे नीचे जाना है इंटरमीडियरीज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें स्टॉक एक्सचेंजेस दिया हुआ है उसमें जाना है. तो ये आपको लिस्ट मिल जाएगी. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? मुंबई में है ऑब्वियसली. कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? एड्रेस दिया नहीं है लेकिन मैं प्रिज्यूम करता हूँ कैलकाटा में ही होगा ऑब्वियसली. तीसरा इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया INX कहाँ है? वेल गुजरात में है. नाउ दिस एक्सचेंज इज इन गुजरात और इसमें इक्विटी डेरिवेटिव्स वगैरह की ट्रेडिंग अलाउड है. गुजरात गिफ्ट सिटी IFSC. चौथा स्टॉक एक्सचेंज इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज कहाँ है? नवी मुंबई. और ये कॉमोडिटी एक्सचेंज है, ये इसमें शेयर ट्रेड नहीं होते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेड नहीं होता, मतलब इसमें कॉमोडिटी मेटल्स वगैरह की ट्रेडिंग होती है. तो ये नवी मुंबई में है. वेल पांचवा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी मुंबई में है. बांद्रा वी से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है. और छठा मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज और इसमें इक्विटी, ये जो पांचवा है इसमें इक्विटी ट्रेड अलाउड है, इक्विटी डेरिवेटिव्स भी अलाउड है. सिक्स वन छठा मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड दैट इज वंस अगेन इन मुंबई, वो भी मुंबई में है लेकिन कॉमोडिटी एक्सचेंज है और कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग होती है. और नेशनल कॉमोडिटी एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड सेवंथ एंड दैट इज ऑल्सो इन मुंबई बट वंस अगेन कॉमोडिटी एक्सचेंज है जहां पर कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स में डील किया जाता है. देन एट्थ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड वंस अगेन इन मुंबई एंड वंस अगेन बांद्रा कुर्ला मुंबई. ऊपर पढ़ रहे थे मल्टी दैट वाज मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज दैट वाज आल्सो इन बांद्रा एंड नाउ विल BSE इज ऑब्वियसली ऑन दलाल स्ट्रीट. और BSE तो इंडिया का रादर एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी फोटोग्राफ बहुत फेमस है सभी न्यूज चैनल्स पे, CNBC आवाज वगैरह हर जगह पूरा दिन देखने के लिए वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की फोटोग्राफ देखने के लिए मिलती है. देन नौवा आखिरी नाइन्थ NSE IFSC लिमिटेड एंड दैट इज इन गुजरात गांधीनगर वंस अगेन इन गिफ्ट. तो गुजरात में दो नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, वन इज इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज INX इंडिया INX दैट इज इन गिफ्ट सिटी गुजरात एंड नाइन्थ NSE ने IFSC लिमिटेड एक सेपरेट कंपनी बनाई है. वेल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक सेपरेट कंपनी बना दी दैट इज वंस अगेन इन गिफ्ट SEZ गांधीनगर गुजरात. तो टू इन गुजरात. वेल बाकी मुंबई 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 विल आई से नवी मुंबई दैट इज देयर. तो बाकी सारे तो मुंबई में नजर आ रहे हैं, नवी मुंबई में नजर आ रहे हैं. और जहां तक इक्विटी की बात है एक चीज और भी देख लें इसमें, एनालाइज कर लें आपकी नॉलेज के लिए. मैं कहूंगा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी शेयर्स में ट्रेड करना अलाउड है. रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स है, ONGC एंड सो ऑन. मतलब आई कैन टेक नेम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज. हालांकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो है सेंसेक्स 50,000 पॉइंट्स जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ 30 कंपनीज से बना है. और उसके लिए मेरा पूरा एक घंटे का पूरा वीडियो कि वो सेंसेक्स 30 पॉइंट्स या 50,000 पॉइंट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है या निफ्टी का 14,650 पॉइंट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, पूरा 1 आवर वीडियो अलग से यूट्यूब चैनल के ऊपर है, दैट इज इन द प्ले लिस्ट ऑफ वेल सिक्योरिटी लॉ.
तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी ट्रेड होता है, वेल कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में लिखा तो है, रिकॉग्निशन भी देख लीजिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को परमानेंट रिकॉग्निशन मिला है, किसने रिकॉग्नाइज किया इसके बारे में बात करेंगे, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को भी परमानेंट रिकॉग्निशन मिला है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज को 28 दिसंबर 2020 तक रिकॉग्निशन मिला था, आई होप ये बढ़ गया होगा, एप्लीकेशन फाइल कर दी होगी और बढ़ गया होगा, लेकिन इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज में इक्विटी शेयर्स में ट्रेड नहीं होता है, इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन वगैरह उसमें ट्रेड होता है, और बाकी तो कमोडिटी एक्सचेंज है नंबर फोर, उसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता है, परमानेंट रिकॉग्निशन है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को 15 सितंबर 2021 तक का रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन इसमें इक्विटी ट्रेड होता है, तो ये दूसरा स्टॉक एक्सचेंज हो गया जिसमें इक्विटी ट्रेड होता है इक्विटी शेयर्स में, पहला वेल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, और तीसरा मैं अगर बात कर रहा हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी इक्विटी में ट्रेड होता है, तो ये तीन स्टॉक एक्सचेंजेस दिख रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं जिनमें इक्विटी में ट्रेड होता है, बाकी इक्विटी डेरिवेटिव्स कमोडिटी डेरिवेटिव्स वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन इक्विटी ट्रेड मुझे यही नजर आ रहा है, और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज उसके सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो ये तो एक पहेली है कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज तो है और उसके पास परमानेंट रिकॉग्निशन भी है वंस फॉर ऑल, लेकिन उसमें सामने खाली क्यों है सेगमेंट्स जिसमें ट्रेड परमिटेड है। इसके अलावा ये जो जहां टेबल खत्म होती है, अगर आप अलग से वेबसाइट पे चेक कर रहे हो या पेन अपना कहीं भी आप चेक कर रहे हो इन योर सेल फोन और वेर एवर, अगर आप सेपरेटली एक सेकंड सेल फोन में चेक कर रहे हो तो आपको दिखेगा नीचे एक लंबी सी लिस्ट है वो स्टॉक एक्सचेंजेस जिनके सेबी ने रिकॉग्निशन कैंसिल कर दिए, ये पहले एग्जिस्टेंस में थे, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज, सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज, मैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज, भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एक लंबी लंबी सी लिस्ट है, ये बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस थे जिनका शटर डाउन हो चुका है और जिनको स्टॉक्स में या स्टॉक्स डेरिवेटिव में ट्रेड करना डिस अलाउ कर दिया गया है और उनको एग्जिट करवा दिया गया है स्टॉक मार्केट से कि अब आप दफा हो जाओ, तो बड़ी लंबी सी लिस्ट है जो पहले एग्जिस्टेंस में थे 2014 2015 में, इन सबको बंद कर दिया गया, चेकआउट द लिस्ट इंपॉर्टेंट। Then, अब ये तो मेरी तरफ से जनरल नॉलेज थी, जनरल नॉलेज वाला पार्ट खत्म हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर वन नहीं था और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर वन के लिए तरफ, लेकिन उसके लिए पहले रूल्स जान लें और एक बार मैं फटाफट पढ़ दूं वो चार पांच लाइनें। नंबर वन, फाइव विनर्स विल गेट रुपीज 1000 ईच इफ वी गेट फाइव और मोर पार्टिसिपेंट्स गिविंग द राइट आंसर, अगर हमें सही आंसर ही चार मिले या तीन मिले तो उतने लोगों को ही देंगे ना भाई, तो उस केस में पांच को नहीं देंगे, क्लियर है ना। हाँ, अगर सही आंसर मिल जाते हैं 5, 6, 7, 8 तो obviously first five fastest finger first five will be getting the cash prize. Now give all the answers in the live chat of this premiere video which is going on. Comments में नीचे अगर आप answer दोगे तो आपको prize नहीं मिलेगा, आप prize के लिए eligible नहीं है अगर आप comments of video में answer देंगे, बाकी आप अपनी खुशी के लिए लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं but not eligible. Then three prize won by anyone are non-transferable. Obviously आपको prize मिला है तो आप ही के बैंक अकाउंट में आएगा, किसी और को ट्रांसफर नहीं होगा। नंबर थ्री, नंबर फोर, विनर्स विल बी अनाउंस एट द एंड ऑफ द लाइव चैट इन द और इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो, अगर हमारी टेक्निकल टीम वो पांच सही आंसर, क्योंकि आंसर जर्र से चलते हैं कई बार तो रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है, हमारी लाइव चैट में अगर पांच सही आंसर उस वक्त हम पकड़ पाए, हमारी पूरी टेक्निकल टीम आंखें गड़ा कर बैठी है तो वेल एंड ऑन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन इन इंडिया, तो हम जरूर लाइव चैट में ही आंसर वेल अनाउंस कर देंगे कौन पांच पहले विनर है, नहीं कर पाए तो विल गिव द वेल द नेम्स ऑफ द विनर्स, द नेम्स ऑफ द विनर्स नॉट द डिटेल्स बट ओनली द नेम्स इन द कमेंट्स, देन 0.5 इन दिस वीडियो ओनली एंड 0.5 द विनर्स शैल गिव देयर जीमेल आईडी देयर फुल फोन नंबर इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो लेटर ऑन, जो कि हम पब्लिक नहीं करेंगे, प्राइवेट रहेगा, योर जीमेल आईडी योर फुल फोन नंबर विल रिमेन प्राइवेट विल नॉट बिकम पब्लिक, and you your bank account beneficiary details you can give you should be giving, और आपकी जो payment होगी या आपका जो cash prize आप तक पहुंचेगा वो आपके bank account में सीधा पहुंचा दिया जाएगा by net banking, या फिर अगर आप well internet banking नहीं चाहते तो आपको by check well check आपको deliver कर दिया जाएगा by भारतीय डाक सेवा registered post और by courier your check will reach you, लेकिन आपको अपने bank account की beneficiary details वो account number तो बताना पड़ेगा so that we can write your name along with the account number on your check and dispatch it to you, या फिर अगर आप net banking के through चाहते हैं तो आपकी option है you can give beneficiary account detail along with the IFSC code of your bank so that the money reaches into your account. No cash, no cash, no cash,
देन वी से स्टूडेंट्स गिविंग टू आंसर्स, वन करेक्ट वन इनकरेक्ट, ये भी बहुत पंगे होते हैं, पहले सही आंसर दिया, पहले सही दिया फिर गलत दे दिया बाद में, या पहले गलत दिया फिर सही दे दिया, दोनों आंसर ऑटोमेटिकली इन एलिजिबल हो जाएंगे फॉर विनिंग द प्राइज। देन आल्सो द नेक्स्ट वन, आपसे छह सवाल पूछे जाएंगे और आपको सभी सवालों में वो ए बी सी डी ऑप्शंस हैं, तो आपको 1 2 3 4 5 6 के साथ ए बी सी डी लिखना है और आपको अपना आंसर देना है। लेकिन आंसर कब देना है, क्वेश्चन नंबर 6 जब मैं पूछूंगा उसके बाद, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 के बीच में सन्नाटा रहेगा बिल्कुल, लाइव चैट के अंदर आप अपनी गप्पें लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन आंसर नहीं लिखोगे आप। और जब आप आंसर लिखोगे तो सिक्स्थ क्वेश्चन जब मैं स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर दूंगा, चाहे मैं बोल रहा हूं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, यू आर वेरी मच फ्री टू गिव द आंसर्स, टू गिव द आंसर्स वंस आई डिस्प्ले द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन स्क्रीन। और मेरे बोलते बोलते भी आप आंसर देना शुरू करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक और कंडीशन है, जब आप आंसर देंगे तो आंसर के साथ आप अपने फोन नंबर की लास्ट 3 digits जरूर लिख देंगे या 4 digits एज यू वॉन्ट, ताकि आपको हम रिकॉग्नाइज कर पाए। पूरा फोन नंबर नहीं लिखेंगे फॉर कीपिंग द प्राइवेसी, बट 3 or 4 digits पूरा फोन नंबर आप बाद में कमेंट्स में बताएंगे। और ये रूल्स याद रखना और दोबारा देख लेना, अगर आपको लग रहा है कि आप विनर हो तो ये रूल्स दोबारा भी देख लेना एट द एंड ऑफ द वीडियो। देन आई विल से प्लीज डोंट गिव द आंसर्स इंडिविजुअली फॉर ईच क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन नंबर 1 आने के बाद आंसर नहीं देना, क्वेश्चन नंबर 2 आने के बाद आंसर नहीं देना लास्ट। और अगर आप दे रहे हैं वो आप फन से एक दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल आप तभी होंगे जब आप सारे 6 के 6 आंसर एक साथ लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ABCD whatever and along with the phone numbers। So shall we get started, शुरू करते हैं, तो कमर कस के तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन नाउ, कौन बनेगा, करोड़पति नहीं बोलूंगा बट यस, कौन बनेगा फर्स्ट 5 विनर्स में, फास्टेस्ट फिंगर। देन क्वेश्चन नंबर 1, टोटल हाउ मेनी रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस एग्जिस्ट इन इंडिया इन विच शेयर्स और कमोडिटीज आर ट्रेडेड और वर ट्रेडेड। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता है और ऊपर आपने लिस्ट देखी भी है। तो देर आर 3 रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस, देर आर 20, देर इज 1, देर इज नन ऑफ दीज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, अभी मैं नहीं बता रहा हूं। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हम क्या बोलें, कितने हैं। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, टोटल हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस एग्जिस्ट इन मुंबई विद नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स, इनके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं, इन विच द इक्विटी शेयर्स आर ट्रेडेड, जिसमें इक्विटी शेयर्स ट्रेड करने की फैसिलिटी है, मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में भी होना चाहिए, उसमें इक्विटी शेयर्स ट्रेड करने की फैसिलिटी भी होनी चाहिए और नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स होने चाहिए ऑल ओवर इंडिया, ताकि सारे इन्वेस्टर्स ऑल ओवर इंडिया उसमें ट्रेड कर सके। तो कितने हैं, देर आर 3 स्टॉक एक्सचेंजेस, देर आर 20 स्टॉक एक्सचेंजेस, देर इज ओनली 1, देर इज नन ऑफ दीज, सो दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। तो आप अपना आंसर तैयार रखिएगा कि कितने हैं। एंड देन टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, वेदर ऑल द अबव स्टॉक एक्सचेंजेस आर रिकॉग्नाइज्ड, वेदर ऑल द अबव, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ साथ आंसर लिखते जा रहे हैं और लेकिन आप सेंड नहीं कर रहे हैं, अभी आप सेंड नहीं कर रहे हैं, जो सेंड कर रहे हैं मजे मजे में वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लिखते जाएंगे और सेंड नहीं करेंगे। वेदर ऑल द अबव स्टॉक एक्सचेंजेस आर रिकॉग्नाइज, जितने भी आपने ऊपर देखे, मतलब 9 स्टॉक एक्सचेंज, क्या वो 9 के 9 रिकॉग्नाइज हैं या ऐसा है कि उसमें से कुछ रिकॉग्नाइज हैं और कुछ अनरिकॉग्नाइज हैं। मैं प्रेजम्पशन कर रहा हूँ कि वो इंडिया इंटरनेशनल INX ने एप्लीकेशन फाइल कर दिया और उनका रिकॉग्निशन कैंसिल नहीं हुआ होगा, चल ही रहा होगा, तो ऊपर जो आपने 9 देखे वो 9 के 9 रिकॉग्नाइज हैं, मैं उस प्रेजम्पशन पे चल रहा हूँ। या इंक्लूडिंग कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, क्या वो भी रिकॉग्नाइज है या नहीं है, सोच लीजिएगा येस और नो। ऑल द अबव का मतलब ऑल 9, तो येस और नो। देन नेक्स्ट वन, हु रिकॉग्नाइजेज दी स्टॉक एक्सचेंजेस, इनको रिकॉग्नाइज करता कौन है, क्वेश्चन नंबर 4। पॉइंट ए, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पॉइंट बी, सेबी रिकॉग्नाइज करता है, यू नो दैट सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी वेबसाइट देख रहे थे। सी, RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कौन रिकॉग्नाइज करता है वेल इन स्टॉक एक्सचेंजेस को। वेल पहली मतलब तैयारी रखिएगा अपना क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी। कैन आई मूव ऑन फर्दर, नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 5 बाद में आएगा।
ये क्वेश्चन मेरे लिए है और थोड़ा सा समझाने के लिए है. व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, स्टेटस क्या है? तो चार पॉसिबिलिटीज हैं. इज इट डी रिकॉग्नाइज बाय सेबी, क्या सेबी ने इसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया है? इट इज अ रीजनल स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज बाय सेबी, ये रिकॉग्नाइज रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी ने रिकॉग्नाइज किया है. पॉइंट सी, इट इज अ रीजनल स्टॉक एक्सचेंज नॉट रिकॉग्नाइज बाय सेबी, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है लेकिन सेबी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है. पॉइंट डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं. सो ए बी सी डी, व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ, व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ अबाउट द कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, इसकी हालत क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है? तो ये आंसर मैं बता रहा हूँ और शायद आपको इधर उधर कुछ हिंट मिल जाए इसकी वजह से, लेकिन मुझे लगता है ये नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है. कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को लेकर ये न्यूज है, 26 अक्टूबर 2019 की न्यूज है. कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर अनसर्टेन है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे तो दिवाली मनाई जा रही है, मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, यू नो दैट. दिवाली वाले दिन वैसे पूरा दिन ऑफ रहती है मार्केट, लेकिन शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग होती है. लेकिन कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज बंद पड़ा है और न्यूज में वो जो अंडरलाइन पार्ट है वो लिखा है, स्टॉक एक्सचेंज इन द सिटी, वेल दैट इज इन कलकत्ता सिटी, एंटर्स इनटू सेवंथ ईयर ऑफ द ट्रेडिंग सस्पेंशन, 7 साल से कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है. आफ्टर द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज बार्ड द ट्रेडिंग इन द कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, 7 साल हो गए कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही, तो मतलब 2019 की न्यूज है, तो 2012 या 2013 व्हाटएवर 2012-2013 से कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कोई नहीं हो रही है. लेकिन वो कह रहे हैं वो स्टेटस वैसे का वैसे ही बना हुआ है, देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन एज ऑफ नाउ, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है. ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, 1 आवर सेशन इन द एनएससी बीएससी, लेकिन कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का वो भी नहीं पता. और वो एनएससी बीएससी में तो होगी शाम को 6:15 to 7:15 अंधेरा होने के बाद, बट आई से कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का तो कुछ नहीं पता. तो दिस इज द स्टेटस और इससे पता चलता है कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं हो रही है, लेकिन मामला कहीं ना कहीं सेबी के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, कुछ झगड़ा है, कुछ लफड़ा है, ट्रेडिंग नहीं हो रही है, फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज शट डाउन नहीं हुआ है. और आप लोग कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट चेक करेंगे वेल गूगल पे, तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज प्रेजेंटली, कि वहां पर कितनी एक्टिव कंपनीज अभी भी हैं. जो कंपनीज तो एक्टिव है, कंपनीज तो एग्जिस्टेंस में है, लेकिन ट्रेडिंग नहीं हो रही है. 2012-2013 जब भी वो सस्पेंड हुआ होगा तब से, ये न्यूज 2019 की है और वो स्टेटस अभी बना हुआ है. एनी हाउस मैं आगे बढ़ जाता हूँ यहाँ से. आपके लिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. आंसर मत दीजिएगा अभी लाइव चैट में. व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज एंड दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, इन तीनों का करंट स्टेटस क्या है? Answer A, these are regional stock exchanges because they are not having nationwide trading terminals. ये regional stock exchanges हैं क्योंकि इनके nationwide trading terminals नहीं है, इसलिए इनको regional stock exchange माना जाता है. Answer B, these three are regional stock exchanges because they are not recognized. क्योंकि ये recognized नहीं है, इसलिए इनको regional stock exchange माना जाता है. Answer C, ये डी रिकॉग्नाइज हैं, इनको सेबी ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया था 2015 में फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग. तो ए बी सी विल गिव द करेक्ट आंसर, दैट्स इट क्वेश्चन नंबर 5. तो बस इतना ही बताना है आपको और ज्यादा कुछ नहीं है. मैं रिपीट कर देता हूँ, ए ये तीनों ओरिजिनल स्टॉक एक्सचेंज हैं क्योंकि इन तीनों के पास नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स नहीं है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास हैं जो ऑल ओवर इंडिया बहुत फेमस है. एंड ये रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, दैट इज आंसर बी. आंसर सी, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं और ये डी रिकॉग्नाइज हो गए हैं, सेबी ने इनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया है फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग ऑल टुगेदर. तो अपना आंसर लिख कर तैयार हो जाइए क्योंकि अब आ रहा है छठा सवाल, छठा क्वेश्चन. लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में तीन नाम बड़े फेमस हैं, हर्षद मेहता जिन्होंने 1992 में स्टॉक मार्केट स्कैम किए जिनके ऊपर वो सीरीज बन गई स्कैम 1992, और सीख रहे हैं आप बहुत कुछ जान रहे हैं, हम हमेशा से सभी बैचेस में डिस्कस करते रहे हर्षद मेहता के बारे में, ही वॉज इन जेल देन ही डाइड एंड ऑल दोज थिंग्स, बट फिलहाल से आप लोग ऑलरेडी डिटेल में स्कैम सीरीज में जान चुके
केतन पारिक जिन्होंने 10 कंपनीज चुनकर उनमें स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन किया, माधवपुरा कोऑपरेटिव मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया, फिर वो बैंक का पैसा रीपे नहीं किया, बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक ही इंसॉल्वेंट हो गया, बंद हो गया, केतन पारिक को भी जेल हो गई एंड 2008 में कन्विक्ट हुआ और इन्होंने स्कैम किया था 1998 से 2001 के बीच में, तीन साल केतन पारिक, वेल आई विल से हर्षद मेहता स्कैम 1992 दैट वाज देयर एंड केतन पारिक स्कैम 1998-2001। और केतन पारिक के बारे में एक और खास बात, ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड सीए, पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी स्कैम करते हैं भाई, और वेल क्या कहूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी प्राउड ऑफ दिस एक्चुअली। देन और साथ में एक चीज और भी बताई गई है कि वही विकिपीडिया पे अवेलेबल है कि इन्होंने, केतन पारिक ने ज्वाइन किया था 1990s में हर्षद मेहताज फर्म ग्रो मोर इन्वेस्टमेंट, तो हर्षद मेहता की कंपनी ही ज्वाइन की थी इन्होंने, तो समझ में आ रहा है ना कहां से सीखा सब कुछ, लेकिन स्टाइल डिफरेंट था स्कैम करने का ताकि पकड़ में ना आए। और इसके अलावा एक तीसरा नाम और दे रहा हूं, जिग्नेश शाह, वो आप गूगल सर्च कर लेना, उन्होंने धमाका किया हुआ है। तो ये तीन नाम, वेल हर्षद मेहता एंड देन आई विल से वेल सेकंड वन केतन पारिक एंड थर्ड वन जिग्नेश शाह, और कुछ कुछ ये नाम वही ऐसे ही लग रहा है कि इधर दे बिलोंग टू महाराष्ट्र और दे बिलोंग टू गुजरात, तो यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा समझदार होते हैं स्टॉक मार्केट में। नॉर्थ इंडियंस तो अब धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं, और पंजाब तो खैर कल्चर ये लगा है जी ज्यादा पैसे कमाए हैं तो चलो नई फॉर्च्यूनर खरीद लो, नई गाड़ी खरीद लो, स्टॉक मार्केट तो बाद में सोचेंगे, हालांकि थोड़ा बहुत चंडीगढ़ में कल्चर है बट आई विल से एवरीबडी नोज दैट गुजरात महाराष्ट्र इट इज इवन अ पाव भाजी वाला इज बाइंग इन द स्टॉक मार्केट। देन गोइंग ऑन फर्दर विद दैट, और सूरत तो बहुत फेमस है, सूरत के सूरती लोग तो और ज्यादा फेमस है। देन आई विल से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता दूंगा आपको, फर्स्ट एवर स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था, इंडिया का तो पहला है ही, एशिया का भी पहला स्टॉक एक्सचेंज है, और जब पैदा हुआ था इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, NSSBA था। छठे क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, और एक बनियान ट्री के नीचे वेल कुछ लोग बैठे थे, बातचीत की थी, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनाया था उन्होंने, उस वक्त नाम NSSBA था। और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज वो नीम ट्री के नीचे बनाया था, वो 1830 था, वो 18 कहने के लिए हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फॉर्मली पहला स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का एसोसिएशन पर्सन। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1830 में हो गई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी पहले, लेकिन बना कब था कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज फॉर्मली 1908 में, और वो नीम ट्री के नीचे शुरुआत हुई थी, वो नीम का पेड़ था, ये बरगद का पेड़ है। अब पता नहीं सब लोगों को पेड़ ही क्यों मिलते हैं पेड़ों के नीचे बैठकर, उस जमाने में शायद यही अच्छा लगता होगा ना कि कहीं खुले में बैठने से अच्छा पेड़ के नीचे बैठकर लेट अस गेट स्टार्टेड विद बिजनेस। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में माइलस्टोन्स जो उन्होंने अचीव की, थोड़ा सा आपको लेटेस्ट चीज बता दूं यहां पर, 1 मार्च 2001 ये केतन पारिक वाला स्कैम होने के बाद, हर्षद मेहता स्कैम के बाद नहीं, केतन पारिक स्कैम होने के बाद यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कॉर्पोरेटाइज करते हैं, और ये जब पैदा हुआ था एसोसिएशन पर्सन था, अब इसको कंपनी में कन्वर्ट करते हैं केतन पारिक स्कैम के बाद, गेटिंग दैट नॉट आफ्टर हर्षद मेहता स्कैम। एंड वेल आई विल से मान नहीं रहे थे वो लोग, तो सेबी ने एक सेक्शन ही बना दिया था इन सेक्शन 4A सेक्शन 4B, वेल इन SCRA कहना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक सेक्शन बना दिया कंपल्सरी कॉर्पोरेटाइजेशन, कंपल्सरी डिमिचुअलाइजेशन, और प्राइवेट ओनरशिप के हाथ से खींच कर इसको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हाथ में ओनरशिप मेजॉरिटी हिस्सा उनको ट्रांसफर किया जाए, अदर देन ब्रोकर्स को ट्रांसफर किया जाए। तो पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ओनरशिप 100% ब्रोकर्स के पास थी, अभी देन शिफ्टेड, देन तो बाद में शिफ्ट हो गई वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। और एक डेट जो आपको नीचे दिख रही है स्क्रीन पे सबसे नीचे, जहां पॉइंट नंबर 2 लिखा है 8th August 2005 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ, 2005 में इनकॉर्पोरेट हुआ, और उसके बाद 2005 में ही सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला जब ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था, और फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फाइनली बिकेम अ कॉर्पोरेट एंटिटी इन 2005। तो 2001 में प्रपोजल आया, 4 साल लग गए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर प्रेशर बनाते बनाते कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन से कंपनी में कन्वर्ट हो जाओ और अपनी मेजॉरिटी ओनरशिप जो है वो नॉन ब्रोकर्स को शिफ्ट कर दो, बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। 7th March 2007 सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज ने भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5% शेयर्स खरीदे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड कंपनी में, और 16th May 2007 फाइनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फुल्ली
कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया एज पर द स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन और मेजॉरिटी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई, डिमिचलाइजेशन कर दिया गया। ये सारी बातें हम पढ़ते हैं इन द SCRA चैप्टर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो अभी उसमें और डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट दिस इज इन शॉर्ट जो हमने डिस्कस किया। अगर आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शॉर्टकट हिस्ट्री, बाकी बहुत कुछ है ऑन द वेबसाइट ऑफ BSE। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तैयार, एवरीबडी रेडी? एवरीबडी, सुना होगा ना आपने बुलिश बियरिश, मार्केट बुलिश है। मैं ही बता देता हूँ थोड़ा सा, बुलिश का मतलब जब मार्केट में बायर्स बहुत सारे हैं और मार्केट ऊपर की तरफ शूटअप हो रही है, स्टॉक प्राइसेस ऊपर शूटअप हो रहे हैं, सेंसेक्स निफ्टी ऊपर की तरफ शूटअप हो रहा है, तो मार्केट बुलिश है। और वो अमेरिका में शुरू किया था उन्होंने बुलिश बियरिश, हम इंडियंस तो कॉपी कर लेते हैं हर जगह से, अमेरिका में सिस्टम शुरू हुआ तो हमने अमेरिका से कॉपी कर लिए ये वर्ड्स। तो बुल का मतलब हम बोलते हैं बायर और स्टॉक मार्केट में, और हर्षद मेहता को बोलते थे बिग बुल फ्रॉम मुंबई, बिग बुल फ्रॉम मुंबई एंड हैवी बाइंग इन द स्टॉक मार्केट ही वाज डूइंग विद द हेल्प ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड ऑल दैट। और बियर मतलब भालू, मतलब सेलर इन द स्टॉक मार्केट। तो व्हेन द नंबर ऑफ बुल्स इन द मार्केट आर मोर देन द नंबर ऑफ बियर्स, व्हेन द नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट आर मोर देन द नंबर ऑफ सेलर्स, वी से द मार्केट इज बुलिश एंड द प्राइसेस आर शूटिंग अप बिकॉज द डिमांड इज मोर देन सप्लाई। सारा मामला डिमांड सप्लाई का है। और दूसरी तरफ उल्टा कर देते हैं, इफ द नंबर ऑफ बियर्स इन द मार्केट आर मोर देन द नंबर ऑफ बुल्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट आर मोर देन द नंबर ऑफ बायर्स and the supply is more than demand, then market is bearish and the stock prices are falling down, market is falling down. तो simple कहानी है, और इसके पूरे इसके ऊपर मैं कहूँगा पूरा एक वो 3 घंटे का introduction video मेरा security law का already है, will 3 hours, और वो sensex calculate कैसे होता है, 50,000 points calculate कैसे होते हैं, उसका formula क्या है, उसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो सब कुछ, या निफ्टी कैसे कैलकुलेट होता है, उसका पूरा 1 घंटे का वीडियो प्लेलिस्ट ऑलरेडी है यूट्यूब के ऊपर, तो वो जरूर देख लेना फॉर गेनिंग परफेक्ट परफेक्ट नॉलेज। एंड देन आई विल से अब फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 एंड यू आर फ्री टू गिव द आंसर्स। लेकिन ये बुलिश और बियरिश के बारे में नहीं है और ये बात, अब बात हो रही है रैली वर्ड के बारे में जो हम कभी कभी CNBC आवाज पे सुनते हैं, मार्केट में रैली आ गई, स्टॉक मार्केट में रैली आ गई, स्टॉक मार्केट में रैली आ गई। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2? स्टेटमेंट नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा, और क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, यही बताना है आपको। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, अ रैली इज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अपवर्ड मूवमेंट इन द प्राइसेस इन द स्टॉक मार्केट। जब स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस ऊपर चढ़ रहे होते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, उसको कहेंगे रैली। स्टेटमेंट 2 है, रैली कैन हैपन बोथ ड्यूरिंग द बुल रन और द बियरिश रन। जब मार्केट वैसे ही ऊपर चल रही हो धीरे धीरे, बीच में एकदम से रैली आ गई और मार्केट चढ़ गई और ज्यादा शूटअप हो गई और एकदम से भाग गई ऊपर, या बियरिश मार्केट चल रही है और मार्केट में वैसे तो डाउन डाउन डाउनफॉल था लेकिन बीच में कोई गुड न्यूज आ गई तो रैली आ गई और मार्केट चढ़ गई। तो बुलिश मार्केट में एकदम से शूटअप हो गई उसको कहेंगे रैली, या बियरिश मार्केट में भी अगर मार्केट शूटअप हो जाती है ऊपर की तरफ तो वो भी रैली है। दोनों रैली है, क्या है मतलब मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज पॉइंट ए, स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग एंड 1 इज करेक्ट। पॉइंट बी, स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग एंड 2 इज करेक्ट। सी, बोथ आर रॉन्ग, दोनों ही गलत हैं। एंड पॉइंट डी, बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ABCD, और मुझे मालूम है ऑलरेडी लिखने वाले लिख रहे होंगे, दे विल बी राइटिंग फॉर देमसेल्व्स। सो देन आई जस्ट मूव ऑन फर्दर विद दिस एंड एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। आप अपने आंसर्स लिखते रहिएगा, आपके इंटरनेट कनेक्शन आई होप सबके सही चल रहे हैं। सिर्फ लॉजिकली बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2, अगर आप CACET या CS फाउंडेशन पास करके आए हैं तो दोनों में से पहले कौन सा ग्रुप प्रिपेयर करें, इसके ऊपर पूरा एक 15 मिनट का वीडियो मैंने बनाकर दे दिया, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। बाकी कुछ टीचर्स मिसगाइड करते हैं वो एक अलग बात है। और आपको बता दूं CACET CS फाउंडेशन में रिजल्ट चाहे 78% 80% पास आउट जा रहा था, अपना एग्जीक्यूटिव का ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा क्लियर है। सीएस एग्जीक्यूटिव का ट्रैक रिकॉर्ड तो वो ऑल ओवर इंडिया 8% 7% पास आउट होते हैं, 7% 8% 9% 10% 11% 12%, हद मार दी तो 13% किसी ग्रुप में पास हो गए तो हो गए, 13% के ऊपर तो आज तक कभी सुना ही नहीं है। और जब मैंने सीएस किया था तब तो कहते हैं 2% 3% भी पास आउट होता था। तो अलग ही कहानी है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में मेहनत बहुत चाहिए।
एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जितना आईसीएसआई ने जो मॉड्यूल दिए हुए हैं आपको, मोटे मोटे मॉड्यूल है अब, वेल वो सारे पूरे पूरे अच्छे से ईमानदारी से पढ़ने हैं। शॉर्टकट नहीं मारना, वो सीएस ईट वाला और सीएस फाउंडेशन वाला काम नहीं करना कि आधा अधूरा पढ़ लिया, चल फटाफट शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं, और टीचर्स ने शॉर्टकट में पढ़ा दिया, स्टूडेंट्स ने शॉर्टकट में पढ़ लिया और हो गया जी सीएस ईट पास हो गया, सीएस फाउंडेशन पास हो गया, और कुछ ज्यादा पढ़ लिया तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आ गए। लेकिन द पॉइंट इज कि अब तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बहुत अच्छे से पूरे पूरे मॉड्यूल कवर करने हैं, और अगर शॉर्टकट में पढ़ेंगे तो सब कट शॉर्ट हो जाएगा, फिर एक अटेम्प्ट फेल होंगे, फिर लुढ़कते रहेंगे, फिर डिप्रेशन में जाएंगे, फिर सीएस छोड़ देंगे, यही होने वाला है। और पूरा ध्यान रखिएगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी, और अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो भी, कि फुल डिटेल में पढ़ना है। और मैं बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ आपको, कड़वा लगेगा लेकिन सच है, आउट ऑफ 100% स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया इन सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, जो नीचे वाले 80% होते हैं ना, वो तो कभी इतनी मेहनत उन्होंने की नहीं होती कि वो सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करें, और किसी ना किसी वजह से लटक जाता है, या किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, या चारों सब्जेक्ट पास हो जाते हैं एक ग्रुप के, तो वो एग्रीगेट नहीं बनता है। लेकिन उनके दिल को ही पता होता है, और एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर ही उनको समझ में आ जाता है कि यार हमने मेहनत नहीं की, या तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले समझ में आ जाता है, या एग्जामिनेशन हॉल में जाकर समझ में आ जाता है, या बाहर निकलकर समझ में आ जाता है कि ये अटेम्प्ट खराब हो गया। उनका दिल जानता है कि हमने वो मेहनत कभी की नहीं थी कि हम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करते, सीएसईट या फाउंडेशन पास करना वाज लॉलीपॉप लड्डू एज कंपेयर्ड टू सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। अब कहानी बहुत अलग है, बहुत अलग है। और हाँ, अब टॉप 20% की बात करूं, 80% तो आप हटा ही दो, उतनी मेहनत कभी की नहीं होती, ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। उस 80% के ऊपर वाला जो 10% है, वो लोग मेहनत करते हैं अपने अपने लेवल पे, अपनी जगह पर, उनको लग रहा होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं। और सबसे ऊपर वाला जो 10% होता है, दिन रात जो मेहनत कर रहा होता है, आईसीएसआई मॉड्यूल पूरा पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा सिलेबस में, मैक्सिमम सब कुछ कवर कर रहे हैं, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के भी कवर कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उसी के ऊपर बेस्ड है, पूरा मॉड्यूल अच्छे से कर रहे हैं, उनको मालूम है कि हम इंडिया के टॉप 1%, 2%, 3% में हम निकल जाएंगे, नीचे वालों का कुछ नहीं मालूम। और वेल मैं बता रहा हूँ वो आपको, वो जो 20% है उसमें टॉप 10% एक्चुअली डिजर्विंग है, उसके नीचे वाले 10% भी कुछ हद तक डिजर्विंग होते हैं, उनमें से किसी का तुक्का लग गया, कोई निकल गया, बढ़िया है, नहीं लगा तो डिप्रेशन में आ गया, जी हमारा भी नहीं हुआ, हमने मेहनत की थी, लेकिन उनको मालूम होता है कि मेरे ये कुछ चैप्टर्स, ये चैप्टर वीक थे और यहाँ पर मैंने गड़बड़ की थी, उनको पता होता है कि मैंने 80% सिलेबस ठीक से किया, 20% सिलेबस मैंने ठीक से किया नहीं, या 70% ठीक से किया, 30% ठीक से किया नहीं, रह गया, उनको अपनी कमियां मालूम होती हैं, दे नो दैट। अगर ईमानदारी से ऑनेस्टली इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो सब पता होता है, बाकी मम्मी पापा को बेवकूफ बनाने में लगे होते हैं वो अलग बात है, और आजकल तो मैं देख रहा हूँ टीचर्स भी स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, कॉन्सेप्ट से गलत पढ़ा रहे हैं, वो भी हो रहा है वेरी अनफॉर्चुनेटली, मतलब बीइंग अ टीचर मुझे बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि टीचर्स आर टीचिंग इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट्स, टीचर्स आर टीचिंग रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट्स, चीजें गायब हैं बीच में से, आधा सेक्शन पढ़ाया, आधा सेक्शन ही गायब कर दिया, और उसके बेस पर जो आधा गायब कर दिया उसके बेस पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आना है या नेक्स्ट चैप्टर में आना है उसका भी कचरा हो गया, दैट इज हियर, या कभी आधा चैप्टर पढ़ाया आधा चैप्टर गायब कर दिया, तो अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। एंड when I स्टार्टेड ऑन दिस मिशन इन 1999 एज टीचर, तो इंटेंशन ही बहुत अलग थी कि सीएस कोर्स के स्टूडेंट्स को बहुत ऊपर हाइट्स तक लेकर जाना है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि ना लैंग्वेज का स्टैंडर्ड रह गया है, ना तो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है और ना ही नॉलेज का स्टैंडर्ड है, कॉन्सेप्ट ही गलत है, और बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत है, आगे तो पता नहीं क्या क्या होने वाला, आई डोंट नो, मतलब क्या बोलूँ, अजीब अजीब से टीचर्स आ गए अभी, और वो भी क्वालिफाइड है, दे हैव द डिग्री, बट आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट मोर देन दिस। अच्छा, फाइनली आपने आंसर दे दिए, नाउ इट इज माई टर्न टू गिव द करेक्ट आंसर, और नाउ मूविंग ऑन फर्दर। अब इसके बाद, अब जब मैं आंसर दे रहा हूँ, अगर आप लोग आंसर रिपीट कर रहे हैं या कोई भी अब आंसर देता है, तो आंसर्स गिवन बाय यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द प्राइस, अब वो आंसर्स प्राइस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, तो सिर्फ एक है, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज सी, दैट इज कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज ए, मुंबई में 3 स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पर नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल भी है और उसके साथ साथ ट्रेडिंग भी हो रही है इक्विटी शेयर्स में। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज भी है जहां पर इक्विटी शेयर्स में ट्रेडिंग होती है और नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं। हालांकि जो ज्यादा फेमस है वो दो हैं, NSE BSE,
लेकिन मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज भी एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिस्टेड है, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो आप नाम लेते हो, एसीसी सीमेंट यहाँ पर लिस्टेड है, 1000 से ज्यादा कंपनीज यहाँ पर भी लिस्टेड है। नेशनल जब बीएससी जब अभी 50,000 पॉइंट टच कर रहा था तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी 14,590 14,600 पॉइंट टच कर रहा था उस वक्त। और एसएक्स जो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने स्क्रीन पे है, ये भी इसके भी 40 कंपनीज की लिस्ट है जिससे मिलाकर इसका इंडेक्स बनता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 30 कंपनी से बनता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 50 कंपनी से बनता है और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, जो इंडेसेस है, वो 40 कंपनी से बनता है। और ये भी 29,000 पॉइंट क्रॉस कर रहा था उस वक्त जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 50,000 पॉइंट का लेवल तोड़ रहा था। तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो फेमस है, बीएससी एनएससी ज्यादा फेमस है, बाकी 7 फेमस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ये मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, इसकी वेबसाइट भी मिलेगी और ये आपको दिखा ही रहा हूँ यहाँ पर। आप अगर देखना चाहते हैं आपको नामों से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ पर रिलायंस ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ऑल्सो वन ऑफ देम और रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल इज ऑल्सो देयर। तो रिलायंस ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज हैं, बट आई विल से इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। उसके अलावा येस बैंक भी है, आजकल शेयर का रेट गिरा हुआ है येस बैंक का, कभी 250 रुपये होता था, अभी 17 रुपये 17 रुपये पर शेयर चल रहा है, कई लोगों को झटका लगा येस बैंक में तगड़ा वाला। देन आई विल से जी मीडिया और जी कंपनीज वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो 1693 कंपनीज 1700 कंपनीज आर लिस्टेड हेयर ऑन एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो। तो दो नहीं तीन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वेल जहां पर इक्विटी ट्रेड होती है और रेगुलर ट्रेड होती है। और ये इनका ग्राफ भी है 40 कंपनीज का, उसका उन्होंने बताया भी है कि हमने किस बेस पे ये ग्राफ बनाते हैं, तो अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाता हूँ, वेल बिकॉज आप तो आंसर का इंतजार कर रहे हैं सारे के सारे कि सही आंसर आज पता चल जाए। वेदर ऑल द अबव स्टॉक एक्सचेंजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इंक्लूडिंग कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, तो आंसर इज यस, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी रिकॉग्नाइज्ड है, बिल्कुल है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ऑल 9 आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी। और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ठीक है 7 साल से ट्रेडिंग नहीं हो रही तो क्या हुआ, लेकिन रिकॉग्नाइज तो है। एंड हु रिकॉग्नाइजेस द स्टॉक एक्सचेंज इज क्वेश्चन नंबर 4, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी, तो आंसर इज सेबी। और ये कब से कहानी शुरू हुई है, तो 1994 सेबी पैदा हुआ 1992 में, और उससे पहले 1992 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती थी स्टॉक एक्सचेंजेस को 1992 से पहले। 1992 में जब सेबी पैदा हुआ, फिर 1994 में सेबी को पावर्स डेलीगेट होना शुरू हो गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपनी पावर्स डेलीगेट कर दी सेबी को बहुत सारी। और 1994 में ये सेबी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है 1994-1996 जब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में बहुत सारी पावर्स डेलीगेट कर दी गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू सेबी। तो सेबी को पावर दे दी गई टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस, टू डी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस। सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन 5 ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट दैट इज देयर। तो सेबी रिकॉग्नाइज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, आज की तारीख में अगर बात कर रहे हैं। और जितने भी नए नए स्टॉक एक्सचेंजेस अब बन रहे हैं वो सारे के सारे कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, सेबी रिकॉग्नाइज कर रहा है, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। Then question number 5, what is the current status of Indore Stock Exchange, Pune Stock Exchange and Delhi Stock Exchange? They are regional stock exchanges? Haanji, because they don't have nationwide trading terminals. They are regional stock exchanges because they are not recognized by SEBI. Yeah, they are de-recognized by SEBI altogether. So answer is they are de-recognized by SEBI. Wo jo abhi aapko website dikhai thi, SEBI ki website, usme jo list badi lambi si list aap niche padh rahe the, Ludhiana Stock Exchange, Saurashtra Kutch Stock Exchange and so on. Usi mein jaakar dekhna, Indore, दिल्ली एंड वेल पुणे स्टॉक एक्सचेंज भी है, वो भी डी रिकॉग्नाइज हो गए 2015 में, और 2013 2014 2015 2016 2017 ये सब कुछ चल रहा था उस वक्त। और एक काम और छोटा सा कर सकते हैं, पुणे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानना है तो वेल आपको कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है तो एक बार गूगल सर्च कीजिएगा पुणे स्टॉक एक्सचेंज CIN सिन नंबर, यू नो सिन नंबर पता होगा ना आपको, और वो सिन नंबर डालिएगा फिर वहां से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइएगा तो वो डालकर वहां पर सर्च कीजिएगा तो पता चलेगा पुणे स्टॉक एक्सचेंज तो स्ट्राइक ऑफ हो गया, नाम ही स्ट्राइक ऑफ हो गया। कंपनी लॉ में शायद पता होगा आपको स्ट्राइकिंग ऑफ की प्रोविजंस है, तो पुणे स्टॉक एक्सचेंज तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, कंपनी लॉ में ही स्ट्राइक ऑफ हो चुका है। एंड देन मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी डी रिकॉग्नाइज हो गया, उसका ऑर्डर आ गया 2015 में, पुणे का भी और मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश मतलब इंदौर, इंदौर इज ब्यूटीफुल सिटी, द बिजनेस सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल वाले म्यूजिक के लिए फेमस है, इंदौर वाले बिजनेस के लिए फेमस है।
देन आई विल से तो ये ऑर्डर्स हैं सेबी के मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज को डी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है ऑन द केस माइन एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइनली द लास्ट वन जिसका आप इंतजार कर रहे थे एंड आई एम होपिंग कि हमारी टेक्निकल टीम अभी तक सारे आंसर्स या विनर्स ढूंढ चुकी होगी अगर पांच विनर मिले होंगे तो और अगर पांच से कम मिले होंगे तो उनको प्राइज मिल जाएगा पांच से ज्यादा मिले होंगे तो लेस देन या एग्जैक्ट फाइव को प्राइज मिलेगा एग्जैक्ट फाइव इन दैट केस और एट द सेम टाइम आई विल से अगर अभी तक नहीं ढूंढ पाए होंगे तो हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे ढूंढ लिया होगा तो लाइव चैट में बता देंगे और अगर नहीं ढूंढा होगा अभी तक टेक्निकल टीम ने तो कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो में नीचे आ जाएगा डोंट वरी अबाउट दैट वो डिस्क्लोज हो जाएगा सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रैली इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तो रैली इज अ शॉर्ट टर्म थिंग एकदम धूमधड़ाम मार्केट चलती है इट्स नॉट लॉन्ग टर्म तो स्टेटमेंट नंबर वन इज रॉन्ग तो शॉर्ट टर्म रैली आती है और एकदम से शूट अप होती है मार्केट 2000 पॉइंट 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट सेंसेक्स चढ़ गया ओ हो तबाही होगी मार्केट में चढ़ गया एकदम से रैली दैट्स समथिंग विल वी से चाहे मार्केट बुलिश हो चाहे मार्केट बेयरिश हो रैली दोनों टाइम पे आ सकती है तो स्टेटमेंट नंबर टू इज करेक्ट और स्टेटमेंट नंबर वन इज इनकरेक्ट लेकिन एक चीज क्लियर है कि हाँ अगर लॉन्ग टर्म मार्केट ऊपर 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 जा रही है जैसे अभी सेंसेक्स की बात हुई शुरू शुरू में मई 2019 और जनवरी 2021 लॉन्ग टर्म 10,000 पॉइंट्स ऊपर गया है ओवरऑल कहेंगे ये डेढ़ साल वन एंड हाफ ईयर मोर देन वन एंड हाफ ईयर द मार्केट वॉज ओवरऑल बुलिश और वो तो जब से सेंसेक्स पैदा हुआ है बुलिश ही है लॉन्ग टर्म तो बुलिश है अगर डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज तक देखेंगे और निफ्टी को भी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज तक देखेंगे तो लॉन्ग टर्म तो बुलिश ही है और दिख रहा है कि ऊपर ही जाता है वो लोग बेवकूफ होते हैं जो स्टॉक मार्केट में लॉसेस में जाते हैं वॉरेन बफेट द गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट सेज इट्स इम्पॉसिबल टू मेक द लॉस इन द स्टॉक मार्केट इन द लॉन्ग रन अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट्स करनी आती है जो कि मुझको आती हैं आई होप आपको भी आती होंगी एंड वॉरेन बफेट फॉलोअर्स बहुत सारे हैं उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे उसमें जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा बर्कशायर हैथवे बर्कशायर इज वन वर्ड हैथवे इज अ सेपरेट वर्ड जिस वहां पर उनके लेटर्स हैं बर्कशायर हैथवे के ऊपर वॉरेन बफेट लेटर्स ओपन लेटर्स टू द इन्वेस्टर की 14 साल की उम्र से लेकर आज ऑलमोस्ट 88 ईयर्स उन्होंने थ्रू आउट लाइफ 74 ईयर्स इन्वेस्टमेंट की है और एक मिडिल क्लास फैमिली मिडिल क्लास मैन बट हाउ ही बिकेम नंबर 5 और नंबर 6 richest person the whole world and billions of dollars की वर्थ कैसे इकट्ठी कर ली without even a college degree or without even MBA finance or something और वो कहते हैं कि पांचवी पास बहुत होता है स्टॉक मार्केट में 5,000-6,000 करोड़ कमाने हैं तो that is Warren Buffett's open letters कि मैंने कैसे कमाया आप भी मुझे फॉलो करो कमा लो और ओपन लेटर वो उन्होंने अपनी बर्कशायर हैथवे की वेबसाइट पे दिए हैं और आप सीधा ही सर्च कर लीजिएगा वॉरेन बफेट ओपन लेटर्स टू द इन्वेस्टर्स तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा एनी हाउस सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट ओवर हियर एंड वी से पॉइंट बी इज विल द आंसर वन इज रॉन्ग टू इज करेक्ट और एक चीज जाते जाते इसमें क्लोज करते हुए बता दूं रैली जब एकदम से चढ़ती है ऊपर तो उसके बाद शांति हो जाती है कुछ दिन दो तीन दिन रैली अगर चढ़ गई है 4-5 दिन तो उसके बाद फिर या तो मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी या फिर मार्केट शांत हो जाएगी स्टैटिक हो जाएगी स्टेबल हो जाएगी ना ऊपर चढ़ रही है ना नीचे जा रही है ऐसा होता है रैली एक इमीडिएट रैली आने के बाद कई बार होता है सो फाइनली दिस इज ऑल अबाउट द आंसर्स व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस बेसिक्स सही होंगे तो आगे आप सही बढ़ेंगे अगर बेसिक्स ही गलत बनाएंगे तो क्या आप आगे क्या सही कॉन्सेप्ट बनाएंगे सो my humble request to all of you my long playlist is there on my youtube channel check out that one or on our app make my career that you are aware of already wo aapko malum hi hai to wahan par aaiye aur well long list of lectures is available absolutely free of cost for making the right correct accurate concepts thank you so much jai mata di and congratulations winners जय माता दी वंस अगेन